एम्स में कोरोना के खिलाफ तैयार की गई देसी वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो गया है। अगले 2 महीने में इस वैक्सीनेशन का अंतरिम रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नए साल में जनवरी के अंत तक कोविड खिलाफ देसी वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी। इस वैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है, जिसका पूरे देश में 26,000 लोगों पर ट्रायल शुरू हो गया है। एम्स सूत्रों का कहना है कि गुरुवार को एम्स में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पहले दिन 4 लोगों को यह वैक्सीन दी गई है। सूत्र बताते हैं कि एम्स में लगभग 1500 लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। वहीं पूरे देश में 25 सेंटरों पर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें कुल 26,000 लोगों को यह वैक्सीन दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि वैक्सीनेशन देने और इसका अंतरिम रिपोर्ट आने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। रिपोर्ट आने के बाद वैक्सीनेशन के आगे की योजना बनाई जाएगी। एक डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन की एफिकेसी जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार इस वैक्सीन को तीसरे फेज में ट्रायल की अनुमति मिली है, उससे यह तो साफ है कि वैक्सीन सही दिशा में काम कर रहा है। साइंटिस्ट ने जैसी उम्मीद की थी, उसी तरह की रिपोर्ट अभी तक आई है। पहले और दूसरे फेज में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। अब तीसरे फेज में वास्तविक एफिकेसी का पता चल जाएगा, जिसके बाद वैक्सीनेशन का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम किया जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।